हाय गाइस दिस इज रेटिकल एंड हैप्सन गुरु और हम जो है शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है टू ट्वेंटी के वी सप्शन का जो निर्माण है वो किया गया है जैसा कि आपने स्टार्टिंग वीडियो इस चैनल में देखा होगा कि डे वन से डे थर्टी तक आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है पोल्स लगाए गए थे किस प्रकार से जो यहाँ पर इक्विपमेंट बैठाए गए थे किस प्रकार से यहाँ पर कंडक्टर्स लगाए गए थे आपके इंसुलेटर लगाए गए थे ये सभी जो है आप देखते आ रहे होंगे और अभी तक हमारा जो सप्सन है वो कम्प्लीट नहीं हुआ है थोड़ा काम अभी बचा है उसके बाद जो है इसको चार्ज किया जाना है तो अभी चार्ज होने में जो है कुछ दिन ही बचे हैं जैसे कि एक हफ्ता लगभग अभी डेट इसका तय नहीं हुआ है लगभग एक हफ्ते में जो है इसको चार्ज किया जाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से काम जो है पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से काम अभी बचे हैं आपने इस चैनल में जो है इसके सी टेस्टिंग और बाकी जो टेस्टिंग किए गए हैं टेंडलटे टेस्टिंग ये सभी टेस्टिंग के वीडियोस जो हैं वो देख लिए होंगे क्योंकि किस प्रकार से जो है इक्विपमेंट्स के लगाए जाने के बाद उसमें जो है टेस्टिंग वर्क किया गया है और टेस्टिंग वर्क किए जाने का उद्देश्य क्या था कि आपका जो इस प्रकार से जो कंडक्टर लगाए गए हैं जो आपके पोल्स लगाए गए हैं जो आपके और जो जितने भी इक्विपमेंट लगाए गए हैं वह सभी सभी जो इक्विपमेंट हैं वो ठीक है, तरह से वर्क कर रहे हैं कि नहीं इसके बारे में जो है उस वीडियो के माध्यम से बताया गया था ठीक है तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो टेस्टिंग किए जाने हैं और किस प्रकार से किए जाते हैं किस प्रकार से कनेक्शन किए जाते हैं उस पर आप देख सकते हैं ठीक है तो अभी चार्ज होने में कुछ दिन बचे हैं तो तब तक मैं आपको पूरे इक्विपमेंट्स पूरे इक्विपमेंट्सन को आपको घुमा देता हूँ कि कौन कौन से इक्विपमेंट लग चुके हैं क्या क्या जो अभी कुछ काम बचा है तो चलते हैं नीचे तो आगे हैं अपने स्विच यार्ड में और मैंने कुछ दिन पहले जो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है इसमें जो गिट्टी बिछाने का जो प्रोसेस है वो किया जाता है कि किस प्रकार से सबसे पहले जो है इसमें मुरूम की परत बिछाई जाती है उसके बाद सीमेंटेड की परत बिछाई जाती है उसके ऊपर जो है आपका गिट्टी ये जो आप देख पा रहे होंगे उसको बिछाया जाता है ठीक है तो वो उसके बारे में हम जान लिए हैं और किस प्रकार से क्यों सके निर्माण किया गया था वो आपको मैं बता दिया हूँ पैनल किस प्रकार से लाया जाता है क्रेंट की मदद से किस प्रकार से इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है उसके बारे में बता दिया हूँ और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हाई मास्ट लगाया गया है उसका भी वीडियो आपको मैं बनाकर इस चैनल में भेज चुका हूँ कि किस प्रकार से जो है हाई मास्ट को जो है पोल किस प्रकार से इंस्टॉलेशन किया जाता है किस प्रकार से लाइटें बिछाई जाती है जिसमें कौन सी एल लाइट्स का उपयोग कौन सी कंपनी का उपयोग हुआ है तो ये सब के बारे में हम इस चैनल के माध्यम से जान चुके हैं और ये जैसे आपका आइसोलेटर का सी टेस्टिंग है और जितने भी मेगर वगैरह टेस्टिंग है सब का मैंने इस चैनल में वीडियो डाल दिया हूँ तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं तो हमने सिर्फ ये इस बारे में नहीं जाना है कि इसका वायरिंग का कनेक्शन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है लेकिन आने वाले वक्त में जो क्योंकि उस साइड और एक सप्तेसन बन रहा है तो उसका वीडियो हम बाद में सेंड करेंगे ठीक है तो ये ऐप से कनेक्शन किए जा चुके हैं ये अपना जो आइसोलेटर है वो पूरी तरह से वर्क करने को तैयार है ठीक है इस प्रकार यहाँ पर जितने भी टावर आवर लगे चुके हैं उसका जो टाइटनेस है वो सभी प्रोसेस किया जा चुका है मेगा टेस्टिंग किया जा चुका है आई आर लिया गया है इसका टेनल्टा किट लिया गया है आपके सिटी का टेन एल्टा लिया जा चुका है और सर्किट वगैरह का टाइमर टेस्टिंग डी टेस्टिंग ये सभी जो है लिया जा चुके हैं जैसा कि आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे ये अपना आई का टू ट्वेंटी का सर्किट वगैरह है इसको जो है पूरी तरह से अब निर्माण किया जा चुका है और कुछ कुछ जगह भी जो है आपके गिट्टी बिछाने बचे हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये जगह खाली हो चुका है अभी अभी रोड निर्माण का कार्य चल रहा है क्योंकि आपके बीच में जो आपकी रोड गई है ठीक है उसको अभी बनाया जा रहा है जैसे आप देख सकते हैं तो इस प्रकार से जो है पूरी प्रोसेस किया जा रहा है अपने सफेदन को क्योंकि इसको अभी कुछ ही हफ्ते बचे हैं इसको चार्ज करने के लिए और टाइम इनके पास अभी बहुत कम है तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी वर्क कर रहे हैं सब चीज़ जैसा कि आप देख सकते हैं अब जैसे कि हमने डे वन से देखा होगा कि किस प्रकार से जो है फटाफट इस वर्ग को जो किया गया है सबसे निर्माण के वर्ग को और यहाँ पर आप जो लाइव देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से जो है हाई मास्ट को ऊपर ले जाने का प्रोसेस जो किया जा रहा है हैंडल की मदद से जैसा कि आप देख देखिए देखे, देखे होंगे इससे पहले कि बटन के पुश करके जो है इसका काम को किया जाता है लेकिन अभी हैंडल की मदद से जो इसको रोटेट करके जो आपके हाई मास्ट को जो है ऊपर ले जाया जा रहा है ठीक है वो आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका बस का टाइटनेस हो चुका है यहाँ पर और आपका बी आपका आइसोलेटर आपका जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं सीटी हैं इन सभी चीज़ों का जो है टेस्टिंग हो चुका है अब जो है कनेक्शंस कुछ कुछ बचे हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका कंडक्टर जो मूस कंडक्टर है वो अभी लटका हुआ है उसका कनेक्शन अभी नहीं किया गया है वेव ड्राफ का कनेक्शन अभी पूरी तरह से बचा हुआ है तो इन सब के अभी कनेक्शन अभी जो है किए जाने हैं तो उसके बाद जो है जब इसका चार्ज होगा तो उसका वीडियो मैं आपको इसी चैनल पर सेंड करूँगा किस प्रकार से जो है चार्जिंग का प्रोसेस किया जाता है किस प्रकार से कंट्रोल रूम में काम किया जाता है तो इन सब का मैं आपको वीडियो सेंड करने वाला हूँ तो चैनल पर बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है वायरिंग का प्रोसेस किया जाता है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस